दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमानी नाज की। फरमानी नाज सिंगर एंड यूट्यूबर हैं और इनके इंडिया में लाखों फैंस हैं। फरमानी नाज का जीवन काफ़ी परेशानियों और कठिनाइयों भरा रहा है। यानी काफ़ी गरीब फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन आज फरमानी नाज एक मशहूर सिंगर हैं। सो इस वीडियो में हम आपको फरमानी नाज के बारे में बहुत सी पर्सनल बातें बताएंगे, साथ ही बताएंगे इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनके पति कौन हैं, ये फेमस कैसे हुई थी और ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। दोस्तों फरमानी नाज का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मोहम्मदपुर माफी में हुआ था। फरमानी नाज के परिवार में उनके पापा, उनकी मम्मी, एक भाई और फरमानी नाज का एक बेटा मोहम्मद अर्श रहते हैं। एंड फरमानी नाज और उनके पति का डाइवोर्स हो गया है। फरमानी नाज के पति का नाम मोहम्मद इमरान था और फरमानी नाज और इमरान की शादी 25 मार्च 2018 को हुई थी। फरमानी नाज बताती हैं उनको बचपन से ही गाना गाना और गाना सुनना बेहद ही पसंद था और वो अपने स्कूल में भी प्रोग्राम्स होने पर गानों की सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थीं। फरमानी नाज का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और फरमानी नाज का सपना एक सिंगर बनने का था, लेकिन मुस्लिम धर्म में गाना गाना और डांस करना बिल्कुल ही हराम है। तो इसलिए फरमानी नाज के परिवार वालों ने फरमानी नाज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और फरमानी को अपना सिंगर बनने का फैसला बदलना पड़ा। तभी कुछ सालों बाद ही फरमानी नाज की मेरठ के इमरान के साथ शादी कर दी गई और शुरुआत से ही फरमानी के उनके पति के साथ काफ़ी झगड़े होते थे और इमरान फरमानी नाज को परेशान रखते थे। तभी एक साल बाद फरमानी नाज ने अर्श को जन्म दिया और कुछ महीनों बाद ही अर्श की तबीयत खराब रहने लगी और फरमानी नाज ने अर्श को जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें पता लगा कि अर्श के दिल में छेद है और इलाज में करीब 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और इतने पैसे सुनकर इमरान ने फरमानी नाज और उनके छोटे से बच्चे अर्श को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद फरमानी नाज अपने परिवार के पास जाकर रहने लगी और इमरान ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद फरमानी नाज मजदूरी करके अपने बेटे का इलाज करवाने लगी और अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारने लगी। फरमानी नाज को बचपन से ही गाना गाने का शौक़ था तो वो अक्सर काम करते हुए गाना गाती रहती थी। दोस्तों बताया जाता है कि फरमानी नाज के शहर में ही रहने वाले आशू बच्चन नाम के एक तबला कलाकार थे और वो आसपास के इलाकों में जाकर ऐसे सिंगर्स को देखते थे जिनको गाने गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो। ऐसे में वो अलग अलग सिंगर से गाना गवाकर खुद ढोलक बजाते थे और वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालते थे। तभी एक दिन आशू बच्चन फरमानी नाज के इलाके में पहुँचे और लोगों ने आशू बच्चन को फरमानी नाज के बारे में बताया और आशू बच्चन फरमानी नाज के पास गए और जब फरमानी नाज से आशू जी ने गाना गाने को कहा तो पहले तो फरमानी नाज ने मना कर दिया, फिर बाद में बहुत ज़्यादा लोगों के कहने पर फरमानी नाज ने गाना गा दिया और आशू बच्चन ने उनकी आवाज़ पर तबले के जरिए संगीत दिया और आशू बच्चन को फरमानी नाज की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और जब आशू बच्चन ने फरमानी नाज का गाना अपने यूट्यूब चैनल पर डाला तो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद फरमानी नाज ने एक के बाद एक गाने को अपनी आवाज़ में गाया और देखते देखते ये काफ़ी मशहूर सिंगर बन गईं और लोग इनसे मिलने और इनकी आवाज़ सुनने इनके घर भी आने लगे। तभी कुछ महीनों बाद फरमानी नाज ने अपना खुद का एक YouTube चैनल बना लिया और उस पर रेगुलर सभी तरह के नए और पुराने गानों को अपनी आवाज़ में गाकर अपने चैनल पर डालने लगीं और उस चैनल से इनकी कमाई भी होने लगी। धीरे धीरे फरमानी नाज अपनी आवाज़ के दम पर काफ़ी मशहूर हो गईं और इन्हें 2021 में इंडियन आइडल शो में एंट्री मिली, पर ये उस शो को जीत तो नहीं पाई लेकिन इस शो से भी इनको काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली और इनका चैनल भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो गया। एंड अभी के टाइम में इनके चैनल पर 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और आज भी ये अपनी ही आवाज़ में अपने चैनल पर वीडियो सुनाती हैं। तो दोस्तों ये थी फरमानी नाज की कहानी। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल अपनी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए इसी चैनल पर लाते रहते हैं।